सो हेलो गाइस, दिस इज अमन, लेके आ गया हूँ करंट यूनिवर्सिटी का लेक्चर नंबर, दिखाई दे रहा है 4। जी हाँ, वी हैड कंप्लीटेड द 3 लेक्चर ऑफ द टॉपिक करंट यूनिवर्सिटी एंड दिस इज द 4th लेक्चर व्हिच इज गोइंग टू बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर भैया, मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फेस द प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस। क्योंकि अब बच्चे सीरीज के निकाल लेते हैं, पैरेलल में ही वहां दिक्कत होता है, तो उसी को मैं शॉर्ट आउट करने का यहां मैं आज तरीका बतला रहा हूं, ताकि आप सिंपल से सिंपल वे में कर सको। पहले आज हम उसका डेरिवेशन देखेंगे और देन वी विल सॉल्व सम कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स, बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस डीपीपी नंबर 1 and 2 विच आई हैड गिवन द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में दे दिया था आप लोगों को, मैंने 2 डीपीपी दिया था, याद है ना, मतलब लेक्चर नंबर में किसकी बात कर रहा हूँ, 3 था वो, हाँ 2 में मैं नहीं दे पाया था, उसके लिए मैं 3 में दिया था, 3 तीसरे में दोनों डीपीपी है, डीपीपी नंबर 2 का भी लेक्चर है और 1 का भी है, मतलब दोनों आपको उसी में मिल जाएगा, जाके उसे आप अभी देखिए। अगर इस वीडियो में आप डायरेक्ट आए हैं तो उसे तो आपको जाके देखना ही है। तो शुरू करते हैं लेक्चर, शुरू करते हैं, तो पहले डीपीपी ही डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डीपीपी जो मैंने आप लोगों को दिया था, और पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, जैसा कि मैंने बिहेवियर ऑफ गैसेस का भी जो मैंने डीपीपी लगवाया था उस पे भी मैंने नहीं लिखा था क्वेश्चन। अच्छा, जो इस चैनल पे, इस वीडियो पे नए हैं स्टूडेंट, उन्हें मैं बता दूं कि डीपीपी क्या है। भैया ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिसे मैं प्रोवाइड करता हूँ खुद से बना के, प्रिपेयर करके। देखो, क्वेश्चन मेरे नहीं होते हैं, क्वेश्चन बुक ही के होते हैं, क्वेश्चन मैं इधर उधर से, हर एक मेरे पास 4 या 5 बुक है, उसी से मैं सबसे देता हूं, सबसे जो जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है इजी। देखना आप जब डीपीपी सॉल्व भी होगा तो आपको एक लेवल से बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, एक लेवल से बढ़ता हुआ दिखेगा, वही लेवल मैं यहां भी कर रहा हूं। तो हर एक क्वेश्चन सा मैं मतलब बढ़िया क्वेश्चन लगवा रहा हूं आपको, तो भरोसा रखिए मेरे साथ और चलते रहिए। डीपी में बार बता रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आज का भी जो डीपीपी है, डीपीपी नंबर मतलब 3, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो जाके उसे आप जरूर देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं, पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है सुनते। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन 3.4 × 10⁻⁶ मीटर² हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 × 10⁻²। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर। तो हम लोगों को लेंथ दे दिया है 6 मीटर, एक 1 मीटर, लेंथ दे दिया है कितना भाई, 1 मीटर, ठीक है, कितना दिया है 1 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन बता दिया है विच इज 3 × 10⁻⁶ मीटर² रेजिस्टेंस भी दे दिया है। अच्छा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी आपसे निकालने पूछा, यानी आपको बोला है रो निकाल के दिखाने, सॉरी रो ऐसा नहीं होता, रो आपको बोला है रो निकाल के दिखाने, इसे रो बोलते हैं, ठीक है, आपको रेजिस्टिविटी मतलब यही, क्योंकि उन्होंने पिछला जो डेरिवेशन किया था उसमें मैंने बताया रेजिस्टिव मतलब ये, और ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना का भाई, 2 × 10⁻², ना गलती बहुत हो रहा है, ठीक, तो सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस पूरे को देख के पहले तो आपको करना क्या है, देखो सॉल्व में पहले तो आपको जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है चुपचाप से आपको लिख देना है, कोई बहसबाजी नहीं क्वेश्चन से, चुपचाप जो जो उसपे कंडीशन दिया हुआ है वो लिख देना है, और आपको सोचना है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो भैया यूज देखो हमको दिखाई दे रहा है, इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, पहले तो आपको रो चाहिए, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले निकाल लो, ठीक है, कोई दिक्कत, ये ए है, अब आर की जगह वैल्यू पुट करो भाई 3 × 2 × 10⁻², ए की जगह वैल्यू पुट करो 3.4 × 10⁻⁶, एल की वैल्यू कितने भी 1 मीटर। अच्छा, अब ये देखो कितना आ गया,
2 4 8 6.8 into 10 to the power minus 8 minus 8 answer ये है ना, बिल्कुल यही आंसर 6 into 10 to the power देखो 2 into this की हम लोग 6.8 आया और फिर माइनस 2 माइनस 6 प्लस हो जाएगा तो माइनस 8 लॉज ऑफ इंडिसेस का रूल लगा है। तो देखो मैथ ज्यादा इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बस फॉर्मूला सोचना है, बैठाना और कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो इससे थोड़ा सा लेवल ऊंचा है इसी टॉपिक पे, नंबर चेंज करते हैं और यहां डाल लो नंबर 2। अ मेटल वायर, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम इज स्ट्रेच्ड। एक मेटल वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम है जो स्ट्रेच किया गया एंड इट्स लेंथ बिकम डबल एंड इट्स ओरिजिनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। एक मिनट, तो एक मिनट हुआ यूं है कि पिछला वाला डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो गलत है, तो मैं क्वेश्चन यहां उतार लेता हूं, आप देख लेना। सॉरी फॉर मिस्टेक, यही है भैया क्वेश्चन। क्वेश्चन का पिछले वाला गलती था, मैंने क्वेश्चन सही लिख दिया पिछले के लिए सॉरी। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। मैंने बोला है कि अ मेटल वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस 6 ओम स्ट्रेच, एक मेटल वायर को खींचा गया जिसका 6 ओम रेजिस्टेंस था, इस तरह खींचा गया कि उसका लेंथ जो है वो पहले से ओरिजिनल हो गया, मतलब जो पहला ओरिजिनल था उससे डबल हो गया और जो लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो गया, हाफ हो गया। तो भैया फाइंड द फाइनल रेजिस्टेंस बोला है निकालने, आप तो पहले जो जो कंडीशन बोला है वो लिखते हैं। ये मुझे लगता है अगर 10 में से कोई एक ही बच्चा होगा जो ये सवाल किया होगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। पहले तो देखो, पहले तुम्हारा एल एल ही था, पहले ए ए ही था, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। रो की कोई बात कही नहीं गई है तो रो समझ लो रो ही है, मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो सेम है। और दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है, जो एल है वो 2L बन गया है, डबल हो गया है, और जो ए है वो ए बाय 2 बन गया है, और रो का उसमें भी जिक्र नहीं, यानी रो आपका रो ही है, और आपको यहां से रेजिस्टेंस निकालने बोल रहा है, यहां का रेजिस्टेंस भी नहीं पता है, कोई दो रिलेशन दिया हुआ है अपने पास। अच्छा, अगर इसमें अगर ऐसे किया जाए जो मैं सोच रहा हूं, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, इसे इक्वेशन 1 लेट कर लो, आप लोग सोचो भैया इसमें भी मैथ्स मैथ्स तो भैया लगेगा, और इसे उतारते हैं हम लोग, इसे यहां करते हैं। क्या बोला है भाई, आर इक्वल्स टू रो एल बाई 2, एक मिनट एल 2 है ना, 2L कितना हो जाएगा, ये ए को मैं लिख दिया 2 बाई ए, तो कितना हो गया ये 4, और अगर मैं इसे यू लिख दूं, तो देखो मुझे कुछ बनता दिखाई दे रहा है, इस रो का वैल्यू देखो 6 ओम दिया था ना, इसका 6 ओम दिया था, याद करो क्वेश्चन में बोला था रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम का है, रेजिस्टेंस कितना है वो कितना है 6 ओम का है, यानी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 6, और यहां इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 into 6 which is our final resistance। ऐसे किया जा सकता, देख लेता हूं मैं आंसर एक बार। जी हाँ, एकदम सही भाई, एकदम सही। अच्छा, कुछ दिनों बाद आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, शायद आप लोग पढ़े ही ना, कोई बात नहीं।
लेकिन पढ़िएगा जरूर। आईपीएल स्टार्ट होने के बाद तो भैया अधिकतर लड़के लोग, खासकर लड़के लोग तो भैया आईपीएल में ही लगे रहते हैं, तो पढ़िएगा, पढ़ने के लिए भी टाइम निकालिएगा। तो बात करते हैं, तो पहले सम समझते हैं, ठीक है। पहला देखो कंडीशन क्या बोला था मैंने आपको, एल मेरा एल ही है, ए एरिया क्रॉस सेक्शन आपका ए ही है, रो का कोई जिक्र नहीं यानी रो आपका रो ही है, आर आपको बोला था, आर आपको यहाँ दिया हुआ था कितना, 6 ओम के बराबर, 6 ओम के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे आपका 12 बोल दिया था, यहाँ ए बाई 2 बोल दिया था, यहाँ रो बोल दिया था। अब देखो कुछ नहीं, अब यहाँ सिंपल मैथ लगा, यहाँ पे 6 ओम उतार दिए इसकी जगह, जो फॉर्मूला रख दिए आप इसे ऐसे समझो, इसकी जगह आप आर भी तो लिख सकते हो। देखो आर बराबर 6 इक्वल टू दिस, समझ रहे हो। और अब देखो आर का वैल्यू हमें को पता है 6, मतलब इस पूरे का वैल्यू पता है, ये तो पहला रेजिस्टेंस था ये, तो भैया पहला कंडीशन का था, दूसरा कंडीशन का हम लोग निकालना है डायरेक्ट, हम लोग 6 ओम इसका नहीं बोलेंगे वैल्यू ये तो। अच्छा ये बताओ ये कब का था, ये तो मैंने पहले जब मैंने वायर स्ट्रेच ही नहीं किया तब का ये दिया हुआ है 6 ओम, और अभी स्ट्रेच करके मुझे निकालना है कितना है, तो स्ट्रेच करके मुझे पता है इसका वैल्यू 6 है, तो इसका जगह हम लोगों ने 6 रख दिया, 4 हम लोगों को पता चला भैया, इंटू करके 4 × 6 24 ओम, मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा क्योंकि है ये भी इजी है, मगर इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हुए चलना था। 10 में से एक या दो बच्चा ऐसा होगा जिसने ये किया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेजिस्टेंस, द रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम 20 ओम 30 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। मैंने पिछले क्लास में सीरीज का क्या करा दिया था भाई, डेरिवेशन करा दिया था, लेकिन सीरीज का क्वेश्चन नहीं लगाया था, इसीलिए मैंने डीपीपी में आपको क्वेश्चन दिया कि भैया आप लगा के दिखाओ कि आप डेरिवेशन से कितना कुछ सीखे हो, अगर आप नहीं लगा पाए तो मैं तो हूँ। बोला है कि एक रेजिस्टेंस है 10 ओम 20 ओम 30 ओम का कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना का है, यानी आपको तो पहले एक सर्किट बना लेना है। कितना दिया है भाई 10 ओम 20 ओम और ये 30 ओम, तीन रेजिस्टेंस दिया आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसे आप डॉट 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 करके कर लो R1, इसे डॉट 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 करके कर लो R2। ये पता मैं किस लिए बता रहा हूँ ऐसा करने कंसिडर करने के लिए, क्योंकि आपको अच्छा एक इम्प्रेशन पढ़ने के लिए भाई, ठीक है, या किसको किसको R2 लिया हो, और इसे बना लो R3। अच्छा अब तक रेजिस्टेंस का सवाल कोई सर्किट दिया नहीं है बोर्ड में, कोई सर्किट बोर्ड एग्जाम में अब तक नहीं आया है, तो इस साल के लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो रेजिस्टेंस भी ध्यान से समझना एकदम, ठीक है। R1 का वैल्यू 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो गया 60 आंसर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आपका 60 ओम का, बस हो गया। इसमें ज्यादा कुछ समझने का क्या, बस अपनों ने फॉर्मूला रखा, तीन रेजिस्टेंस दिया हुआ था और निकाल लिया। अगर आप नहीं देखे हैं वो वाला वीडियो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले उसका डेरिवेशन देख के आइए तब इस वीडियो में आइए, तभी आपको सीरीज और पैरेलल समझ में आएगा, जब तक सीरीज नहीं समझेंगे पैरेलल आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू अ लाइन ऑफ 220 वोल्ट। क्या बोला है, एक रेजिस्टेंस टोस्टर का रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है और कनेक्ट किया गया है वोल्ट कितने में, 220 वोल्ट में भी 220 वोल्ट, और आपको इसका आई बतलाना है, और आपको इसका आई बतलाना है, यहां सीधा यहां बस लिख दो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, आप ये नहीं भी लिख सकते हो, मैं ये सब जो लिखता हूं ताकि आपका एक लिखोगे तो एक बढ़िया, मतलब एग्जामिनर के पास एक बढ़िया आपका इंप्रेशन जाना चाहिए कि आपको देखे तो नंबर देने में कहीं कतराए ना। आई निकालना है आप लोगों, वी की जगह रख दो भैया कितना है,
आ गया आंसर 2.2 एम्पियर। देखो कहीं मिस्टेक नहीं है, ये वोल्ट है, सीधा साधा फॉर्मूला लग दिया हम लोगों ने, V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ का होता है। ओम्स लॉ का भी मैंने डेरिवेशन करा दिया है लेक्चर नंबर 2 में मेरे ख्याल से, तो उसे भी आप लोगों को जाके देख लेना है। ये सब डीपीपी उसी पे बेस्ड है, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा ये। अच्छा अगला क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट। उठा ही लेते हैं यार, कैलकुलेट द अमाउंट, कैलकुलेट द सर्किट करंट इन द सर्किट ऑफ 500 कूलम्स। अच्छा आप लोगों को अगले क्वेश्चन कितना है, ये पांचवा नंबर है। अगले क्वेश्चन में क्यू दे दिया है, देख लेना, देखो होगा, टाइम दे दिया है 10 मिनट्स का, देख लो क्वेश्चन नंबर पढ़ लो। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट इज द 500 कूलम ऑफ अ चार्ज पास इन अ 10 मिनट्स, ठीक है। और आपसे आई पूछा है, आई का यूनिट क्या होता है भाई, पहले ये याद रखो, एम्पियर, ध्यान से सुन लीजिए। एम्पियर मतलब क्या होता है, कूलम पर सेकेंड, यानी आपका एक यूनिट कूलम में होना चाहिए, एक सेकेंड में होना चाहिए, तब आपका आई आएगा। आपका यहाँ किस में है भाई, एम्पियर में, मिनट में है, सॉरी। तो मिनट को किसमें करना है आपको, सेकेंड में, 60 × 10 देख लो ना, एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 10th में 60/1 × 10 यूनिट रैली मेथड से सीधा साधा, और कितना सेकेंड आ गया भाई, 600, कितना 600 सेकेंड्स। अब क्यू आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी ना, आई इक्वल्स टू क्यू क्यू बाई टी और क्यू इक्वल्स टू आई टी, एक ही बात है। आ रहा है क्या, एक मिनट, 0.2 वाला है ये वैल्यू, 50 कितने टन जाएगा भैया, निकालो निकालो। चलो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ 5/6 ओम, आप डिवाइड करके लिख लेना, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं अपने पास। आज का लेक्चर वैसे ही बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि दोनों डीपीपी है, अभी हम सिर्फ पांचवें क्वेश्चन में है, 15 क्वेश्चन करना है और फिर उसके बाद पैरेलल कराना है, और उसका फिर कुछ न्यूमेरिकल्स, तो आज का भैया लेक्चर लंबा होने वाला है। सुबह के देख लो सकते हो घड़ी में 4 बज रहे हैं, मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूँ, इसका डेट और टाइम खराब हो गया है, इस घड़ी का बस चलता है, ठीक है। अगला देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन करते हैं, छठा नंबर में देखो बोल रहा है क्या भैया, ये ईएमएफ है वो आपका दे दिया है, कितना दे दिया देखता हूँ, वो ईएमएफ दे दिया है आपका 2 वोल्ट का इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दिया है आप लोगों को, ईएमएफ दिया है 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का एक्सटर्नल दे दिया है 15, और छोटा आर मतलब छोटा आर जो है आपका वो दे दिया है 5 ओम, और आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताने, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पीडी पूछ रहा है, पेन गिर गया यार। अच्छा आप लोगों को पता है कि इसमें कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है, कोई बैठ रहा है देखो नहीं। अच्छा अगर मैं सोच रहा हूं, अगर यहाँ पे ओम स्लो लगा दिया जाए बात, तो शायद हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आर जो है हम लोग को पता है 15 ओम के बराबर हमेशा एक्सटर्नल मतलब रहते हैं यहाँ आर, ठीक है, और आई जो है ये इस क्वेश्चन के लिए मैं इसी के लिए रखा कि आप लोगों को पता चले कि ये आर किससे बोलते हैं, इस चीज आप डायरेक्ट 20 ओम लेने वाले थे आप लोग, हो सकता लेकिन वो चीज नहीं करना है हमें, 15 रखना है यहाँ। अच्छा हम लोगों को आई अगर हम लोग निकाल लें तो आई आर मिल जाएगा, आई अगर निकाल ले तो आई आर मिल जाएगा, मुझे रिलेशन याद आ रहा है, ऐसे बनेगा एकदम बनेगा अभी।
आ गया ये देख लो आया ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहां लगता है, क्योंकि देखो भैया मैं किया क्या हूं मैंने इससे, इसका तो मैंने भैया पिछले क्लास में ही डेरिवेशन बतला दिया था, आप लोग अगर याद हो तो भैया बहुत बढ़िया, मैंने पिछले ही क्लास में इसका क्या करा दिया था डेरिवेशन ठीक है। और अब देखो यहां से लोग आई निकाल दिए, क्या निकाल दिए आई, और अब मैं यहां रख सकता हूं क्या आया था भाई 0. आई पता चल गया 0.1 एम्पियर, आई आर 0.1 इंटू 50 विच इज 1.5 वोल्ट आंसर हो गया इसका आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, बोला है इलेक्ट्रिक सेल हैज एन ईएमएफ ऑफ 5 वोल्ट, एक इलेक्ट्रिक सेल का है जो ईएमएफ है वो 5 वोल्ट के बराबर है, हाउ मेनी वर्क डन इज टू बी डन टू मूव अ 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज करने में कितना उसको वर्क डन करना पड़ेगा, W निकालना है, Q दिया हुआ है, 1 कूलम सीधा साधा इक्वल टू W बाय क्यू, W इक्वल टू ई क्यू, ई रख दो आप 5 रख दो और इंटू 1 तो 5 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ये रिलेशन हम लोग पहले से ही जानते हैं जिसे मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर दिया था, 1 या 2 में, लेक्चर 1-2 में मैंने डिस्कस करके खत्म भी कर दिया था इन चीजों को ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि आपसे 0.1 कूलम में कितना क्या भाई कितना चार्ज ESU चार्ज है ठीक है, तो 1 कूलम में 3×10⁻¹ ESU चार्ज होता है, तो आपसे क्या पूछ रहा है 0.1 कूलम में 3×10⁻¹ ये डेसिमल हटा नीचे 10 से कटा 10⁸ और ये देगा 3×10⁻¹ ESU यूनिट सर चार्ज ठीक है, और ये आंसर भी हो गया आपका, कुछ नहीं किया यूनिटरी मेथड किया आप लोगों को दिख ही रहा होगा, आप लोगों को मेन जो रिलेशन है वो ये याद रखना है कि भैया 1 कूलम कितने स्टेट वोल्ट को कितने ESU को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है आपसे कितना नंबर है भाई नंबर भी देखिए देखते हैं 9वां नंबर पूछ रहा है आपसे 450 वोल्ट में कितने में 450 वोल्ट में कितना स्टेट वोल्ट है कितना स्टेट वोल्ट है, यहां लिख दो पहले 1.5, अब मैं बता रहा हूं ये कैसे 1 वोल्ट इक्वल्स टू 0.00334 हाँ स्टेट वोल्ट होता है, मैं अप्रोक्स करके दिखला रहा हूं ठीक है, और यहां से अगर आप 450 वोल्ट रखोगे तो आपको दे देगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा इतना बड़ा रिलेशन आपसे पूछता नहीं है, अमूमन आपसे 450 का ही पूछेगा, पॉपुलर क्वेश्चन यही है यही आपसे पूछेगा ठीक है, और अगर पूछा भी तो आपको तो ये रिलेशन पता ही ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अगला क्वेश्चन जो वो इस DPP का लास्ट है 1 एम्पियर इक्वल टू हाउ मच मेगा एम्पियर, आप लोग एक रिलेशन पता था बचपन से कर रहे होंगे कील है किलो हेक्टो डेको मारो ठीक है, इसे पता याद करने का एक तरीका है कील हेक्टर डेका मारो देखे सो भाई एकदम सीधा साधा तरीका, ये बंगाली में आप इसे याद कर लो, देखो कील हेक्टर डेका मारो देखे सो भाई और हो जाएगा आपसे क्या पूछ रहा है मेगा वोल्ट, इसका कुछ काम ही नहीं था इसमें, इसका कुछ काम ही नहीं था इसमें, मैंने ये क्वेश्चन कराया तो मेरे टीचर थे उनका बात याद आ गया तो मैंने वो आपको ट्रिक बतला दिया, इसका कुछ काम ही नहीं है। 1 मेगा वोल्ट पता है
1 मेगावोल्ट इक्वल टू 10 टू द पावर 6 एम्पियर होता है, ठीक है। यानी अगर 1 एम्पियर निकालने जाए 10 टू द पावर माइनस 6 मेगा एम्पियर होता है। आप 11 में आओगे साइंस लोगे तो आपको 10 टू द पावर माइनस 14 को भी 24 को भी पढ़ना होगा भैया इसको क्या बोला जाता है, 10 टू द पावर माइनस इसको मेगा बोला जाता है, वैसे करके आप लोगों को पढ़ना होगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये याद रख लो या फिर ये याद रख लो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। डीपीपी नंबर, अब वन की बारी, मैं इसे ओरली लगवाऊंगा क्योंकि इसमें सिर्फ एमसीक्यूज है। पहला है कूलम्ब फोर्स इज प्योरली अट्रैक्टिव, प्योरली रिपल्सिव और आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। मैंने डेफिनेशन में इसका भी साफ किया था, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विच इज आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, ठीक है। और दूसरा पूछा है आपसे 1 जूल पर कूलम्ब को क्या बोलते हैं, तो भैया 1 वोल्ट बोलते हैं। क्यों वोल्ट बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है V equals to W by Q, इसको बोलते हैं जूल, इसको बोलते हैं C, तो जूल पर कूलम्ब, ठीक है। इसे ऐसे दिया होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का, ये आपको याद होना चाहिए। ये जो मैंने पहले ही इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैंने याद करवाया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका पता हमें ओम होता है, ये जाएगा मीटर स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है, और ये आएगा मीटर, मीटर में कट गया, तो उसका होता है रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, ठीक है। और अगर आपसे कंडक्टिविटी पूछ दे तो उसका होगा पर ओम पर मीटर, क्योंकि ठीक इसका उल्टा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है 1 वोल्ट पर एम्पियर इक्वल्स टू 1 ओम होता है, इसका भी आंसर लिख लो। 1 ओम क्यों होता है मैं बता देता हूँ, वी इक्वल्स टू आई आर, आपसे क्या पूछ रहा है, वी आई इक्वल्स टू आर होता है, ये पता है, वोल्ट पता है आपका, इसको इसका पता है, एम्पियर रख दोगे आपको दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 एम्पियर इक्वल्स टू कूलम्ब बाई सेकेंड, कूलम्ब इंटू एस का पावर माइनस 1 या फिर दोनों ही है इसका आंसर, सी नंबर इसका आंसर, क्योंकि आप इसे चाहे ऐसे लिखो चाहे इसे आप यू लिख दो, क्योंकि नीचे से कोई ऊपर आता है तो -1 पावर होता है उसका, ठीक है, -1 नहीं, जिसका पावर रहता है वो नेगेटिव हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन है ये मैं नहीं करने वाला हूँ, 4 क्वेश्चन, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर 1-2 में करा दिया है, ठीक है, तो आई होप दैट यू विल डू इट, ठीक है। क्वेश्चन ही क्या है, 1 ओम 1 कूलम को डिराइव डिफाइन करना है, फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी पूछा है, 1 ओम पूछ रहा है और फैक्टर्स इन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, बस यही पूछ रहा है, ठीक है। अब रख करता हूं मैं बोर्ड, मुझे लग रहा है डीपीपी आप लोग करा कर लिए होंगे, तो एक और डीपीपी हम लोगों ने खत्म कर दिया, और आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ना था भाई, सीरीज पैरेलल पढ़ना था, सीरीज तो मैंने करा ही दिया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ टाइम जो है बहुत हो चुका है, तो आप सीरीज ही कर लेते हैं, क्योंकि आप मुझे ज्यादा देर तक झेल नहीं पाओगे, मुझे भी पता है, ठीक है, आप मुझे ज्यादा देर तक क्या नहीं पढ़ाओगे, झेल नहीं पाओगे, क्योंकि भैया पढ़ाई चीज ही ऐसा लगता है आप लोगों को, तो मैं ऐसा करा देता हूँ, तो आप सीरीज ही पे बात करते हैं, क्योंकि पैरेलल खींच गया ना, तो पैरेलल के न्यूमेरिकल्स में पैरेलल और सीरीज को एक ही में डालना चाहता था, मगर लेक्चर के इधर उधर से दोनों अलग अलग हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज अगर सीरीज कर लेते हैं तो सीरीज पूरा कंप्लीट, एक लेक्चर में पूरा पैरेलल आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल में डिटेल्ड में बात करेंगे, पैरेलल में आप लोगों को अगर मैं डिटेल्ड में बात नहीं किया तो आप लोगों को दिक्कत होने वाला है, ठीक है, तो चल एक पैरेलल का आप ही सकते और बनाओ। सीधा साधा सर्किट से शुरू करेंगे, इसका मान लो दिया है 1 ओम, इसका दिया है 2 ओम, इसका दिया है, इसका तो 1 ओम मैंने लिखा,
इसका बोला है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब तो R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आप डायरेक्ट कर दो इसे। अच्छा, सीरीज पहचाने का मैंने एक तरीका भी बतलाया था, जिस सर्किट में पूरे सर्किट में सिर्फ एक ही टाइप का करंट फ्लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ से I करंट फ्लो करवाया तो हर एक में I ही फ्लो हो। देखो यहाँ कहीं पार्ट बट नहीं रहा, कहीं यहाँ पे I ही फ्लो होता रहेगा। अगर पैरल आएगा तब बटेगा, तो हम पैरल में उसका बात करेंगे। ये बस जान लो, जान लो क्या मतलब है कि भाई आई करंट फ्लो हो रहा है सपोज, ठीक है, तो ये सीरीज में है। और आर एस का फॉर्मूला आप लोगों को पता था, आर वन प्लस आर टू विच इज वन प्लस टू ओम विच इज थ्री ओम, थ्री ओम, ठीक है, आप लोगों का हो गया होगा। अब अगला सर्किट लेते हैं, पेन का नीम खराब। ये मान लो रेजिस्टेंस है एक, ठीक है, डायग्राम थोड़ा उतना बढ़िया नहीं, ठीक है, ये मान लो वन ओम, वन ओम, वन ओम, मैं वन ही वन का एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो अब इसमें भी देखो एक ही टाइप का करंट फ्लो हो रहा है, आई आई एंड आई, ठीक है, तो ये भी सीरीज में है, करंट कर दो, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, कितना हो जाएगा, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन विच इज देख लो कहीं दिक्कत, सीधा फॉर्मूला लगाया, चार रेजिस्टेंस दिया था, चारों बैठाए और हो गया। और कुछ करते हैं, और कुछ बचा, अच्छा एक और कर लेते हैं, ये मेरा क्वेश्चन ओरली बनाया हुआ है, ये पता है 2 वोल्ट या करंट मान लो अप्लाई हुआ है और इसका रेजिस्टेंस दिया, आपसे पूछ रहा है कि इसमें आई बताओ, क्या बताओ, आई बताओ, तो आप लोग देख रहे हो कि करंट यहाँ से फ्लो होता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, देखो यहाँ से एक ही करंट है, मतलब ये सीरीज में है। पहले तो आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना होगा विच इज 2 ओम, और हम लोगों को पता है फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर, आई निकालना है वी बाई आर, वी पता है 2, 2 का 2 कट गया तो एम्पियर, 1 एम्पियर आंसर। देख लो भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के ही आगे वाला स्टेप में जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल में ही दिक्कत है, मैंने इसका कुछ न्यूमेरिकल्स करा दिया और कुछ बचा ही नहीं न्यूमेरिकल्स, आगे अगर दिक्कत हुआ तो हम करेंगे, आज का डीपीपी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। डीपीपी में एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आपको नहीं आया तो डिप्रेस होने की बात नहीं है, मैं उसे करा दूंगा, वो भी मुझसे भी पहले बार में वो नहीं हुआ था, लेकिन आप उसे टाइम लेना, जब तक अगला लेक्चर नहीं आता है, अगला लेक्चर आप लोग नहीं देखते हो तब तक उसे ट्राई करना जरूर, होप मत छोड़ना कि भैया नहीं होगा, वो बस मैथ्स है उसमें और कुछ नहीं। चलो तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ, बाय, जय हिंद, जय भारत।